वाटरप्रूफिंग केमिकल छत ढलाई के समय जो है कंक्रीट में डालें, या छत ढलाई के बाद जो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं उस समय डालें, यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और आखिर क्यों जो है छत ढलाई में डालें, आखिर क्यों जो है ग्रेडिंग में डालें। अब सबसे पहले हम ग्रेडिंग बारे में बता देता हूं। ग्रेडिंग क्या होता है, छत ढलाई के बाद हम लोग बारिश के पानी को एक स्लोप में जा सके इसके लिए हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। मतलब छत ढलाई के ऊपर 1.5 इंची का थिकनेस का हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। मतलब फिर से जो है जीरा गिट्टी 5 से 10, 5 से 6 mm का जीरा गिट्टी आता है उसका कंक्रीट तैयार करके उसके ऊपर ग्रेडिंग करते हैं। अब यहां सवाल आता है कि चलिए ग्रेडिंग नहीं करते हैं, उसके बदले में हम क्या करते हैं, छत में ही डॉक्टर फिक्सिट का वाटरप्रूफिंग केमिकल मिला देते हैं, तो यहां तो मेरा ग्रेडिंग का पैसा ही बच जाएगा और मेरा और छत में ही स्लोप कर देते हैं, क्या वो सही रहेगा। चलते हैं आज के इस वीडियो में, आपको यही बताएंगे। सबसे पहले हम जो डॉक्टर फिक्सिट की बात कर रहे थे जो कि वाटरप्रूफिंग केमिकल है, ये ज्यादातर जो है हम लोग कंक्रीट में मिलाते हैं छत ढलाई के समय में, ठीक है। और बहुत लोग नहीं भी मिलाते हैं, बहुत लोग ग्रेडिंग मिलाते हैं, यही क्लियर होगा आज। तो डॉक्टर फिक्सिट ये केमिकल जो कि LW+101 नाम से आता है, ऐसे मार्केट में और भी, हम बस एक ही एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। इसका क्या काम है, इसको आप मिक्स कर सकते हैं किसके साथ, कंक्रीट के साथ भी और मोर्टार के साथ भी। मतलब जो हम लोग ईट चिनाई चाहे प्लास्टर के लिए जो मसाला बनाते हैं, सीमेंट, बालू और पानी का, उस दोनों के साथ, इस दोनों के साथ हम लोग जो है इसको मिक्स कर सकते हैं। दोनों जो है वाटरप्रूफिंग का काम करता है। अब कितना मिक्स करना है जरा समझिएगा, तो 50 केजी का एक बैग आता है सीमेंट का, इसके साथ हमें 200 ml ये डॉक्टर फिक्सिट मिलाना है, यहां तक समझ में आ गया। अब मान लिया जाए जैसे हम लोग जब भी कंक्रीट बनाते हैं उस समय एक बोरा का बनाते हैं, जिसमें एक बोरा अगर सीमेंट डालते हैं उसमें 4 गमला बालू डालते हैं, 6 गमला गिट्टी डालते हैं, उसी में जो है 200 ml में नाप करके जो है हमें डॉक्टर फिक्सिट केमिकल डालना है। इससे क्या फायदा होगा जरा समझिएगा। अब इसका देखिए बेनिफिट क्या क्या होगा ये जान लेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे हम। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपका जो है वाटर प्रूफ फिंग होता है कंक्रीट का, ठीक। अब वाटर प्रूफिंग कंक्रीट अगर आपका हो गया फिर पानी जो है इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा वाटर प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज और इम्प्रूव वर्केबिलिटी, जो हम लोग कंक्रीट तैयार करेंगे उसका जो है वर्केबिलिटी इम्प्रूव होगा। मतलब प्रॉपर तरीके से कंक्रीट मिक्स होगा, प्रॉपर तरीके से उसको हम जो पोरिंग करने में फायदा कोई दिक्कतें नहीं होगी। और साथ ही जो है इससे और भी क्या फायदा होगा, प्रिवेंट क्रैकिंग, क्रैकिंग से मतलब कंक्रीट का क्रैक हो, वाल का क्रैक हो, इस समय आप बचेंगे। और साथ ही अगर ये वाटर प्रूफिंग हो गया तो इससे और क्या फायदा होगा, प्रोटेक्ट कंक्रीट फ्रॉम कोरिजन, मतलब जंग लगने से भी बचेगा, ठीक है। अब देखिए वाटर प्रूफिंग हो गया तब कंक्रीट में जो स्टील रहेगा, स्टील में आपका जंग नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट कंक्रीट को वाटर प्रूफ किया और प्रिवेंट डैम्पनेस, डैम्पनेस प्रिवेंट कैसे करेगा, इसको मैंने क्या बताया था कि इसको आप मिक्स कर सकते हैं किससे, मोटर के साथ ही, मोटर में क्या हो जाएगा, ब्रिक मशीनरी, ठीक है, प्लस आपका प्लास्टर में भी। ये दोनों में अगर आप डॉक्टर फिक्सिट 200 ml मिलाते हैं एक बोरा के में, जिसका मोटर का रेशियो 1:6 रहता है, तो एक बोरा सीमेंट 6 बोरा बालू मिलता है, तो उसके हिसाब से इसमें जो है आपको
200 ml अगर आप मिलाए टॉक्सोफिसिट का केमिकल, तो आपका जो इससे क्या होगा कि भाई डैम्पनेस नहीं होगा आपका, यहां तक तो ठीक हो गया। अब आगे यहां बात कर लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि भाई डॉक्टर फिक्सिट का काम क्या है। अब यहां पे आता है कि भाई ये मेरा छत है, ये मेरा घर और ये मेरा छत है, आखिर क्यों ना जो है छत के साथ ही हम जो है वाटर प्रूफिंग मिला दें, यानी तो छत हम ढलाई कर दिए। बहुत लोग क्या करते हैं छत ढलाई के बाद जो है इसके उप छत ढलाई के बाद, छत ढलाई हो गया इसके ऊपर जो है डेढ़ से दो इंच का स्लोप बना देते हैं, क्योंकि वह क्यों है कि बारिश का पानी जब आएगा तो ये ग्रेडिंग ग्रेडिंग करने के बाद जो है ये बारिश का पानी आराम से सोकर के जो रेन वाटर पाइप होगा उस होकर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जब भी छत ढलाई करते हैं पूरा प्लान करते हैं। अब यहां पे क्या करें, क्या छत में भी डॉक्टर फिक्सिट डाले या छत को छोड़ देते हैं और यहां पे ग्रेडिंग ग्रेडिंग में डाले। अब बताइए, देखिए आप अगर जरा समझिएगा, ग्राउंड फ्लोर के छत में के ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर का भी घर बनाना चाहते हैं, तब तो कोई जरूरी नहीं वाटरप्रूफिंग। जो फ्लोर जो रूफ रहेगा वो टेरेस रहेगा, टेरेस के लिए यूज करेंगे जिसके ऊपर कोई भी छत नहीं रहेगा, तब जाकर के हम लोग जो है डॉक्टर फिक्सिट मिलाएंगे। ठीक है, मतलब कि टेरेस पे हम लोग मिलाएंगे। अब ये इसमें क्या है कि भाई अब ये हम ग्राउंड फ्लोर का छत जो है इसको इन फ्यूचर में हमको बनाना है और भी फ्लोर, तब उस सिचुएशन में बहुत लोग दिखा मतलब सकते हम छत को ही जो है स्लोप कर देते हैं, पहले स्लोप रहेगा और इसी में वाटर प्रूफिंग मिला देते हैं तो हमको ग्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर इन फ्यूचर में कभी भी घर नहीं बनाना है तब छत को आप जो है एक से दो इंच स्लोप कर दीजिए और इसमें जो है डॉक्टर फिक्सिट मिला दीजिए, तो आपको जो ग्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर में आपको जो है फर्स्ट फ्लोर बनाना है चाहे सेकेंड फ्लोर बनाना है इन फ्यूचर में, तब जाकर के जो है आपको जो है सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, छत ढलाई करना पड़ेगा जैसे आप हुआ है, फिर उसके ऊपर जो है डेढ़ इंच का जो ग्रेडिंग जो हम जो बोले थे ग्रेडिंग M20 ग्रेड का ही कंक्रीट रहेगा, लेकिन बस इसमें क्या रहेगा जो एग्रीगेट रहता है चिप्स वो आपका 5 से 10 mm का। नॉर्मली हम लोग कितना 20 mm जो छत ढलाई में 20 mm 10 mm यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे 5 mm का जो है एकदम जीरा गिट्टी की तरह, देखिए जीरा गिट्टी बहुत लोग बोलते हैं, उसका कंक्रीट तैयार करना है और उसमें जो है डॉक्टर फिक्सिट को मिक्स करना है और ग्रेडिंग कर देना एक स्लोप में। उससे क्या होगा कि भाई बरसात का पानी जैसे आएगा आपका आराम से एक स्लोप में चला जाएगा। दो ऑप्शन बताया, कुछ नहीं बनाएंगे छत को ही स्लोप में दे दीजिए। अब क्यों नहीं जो है अगर ऊपर करेंगे तो क्यों नहीं स्लोप में देंगे, अगर स्लोप में देंगे भाई और फ्यूचर में ऊपर बनाना है तो फिर बाद में जब टाइल लगाएंगे तो आपका जो है बहुत ज्यादा उसके नीचे मोर्टार जो है मतलब टाइल फिक्सिंग में लगेगा, क्योंकि टाइल तो पूरा डेड स्लोप में रहता है, सिर्फ किचन और बाथरूम का थोड़ा सा स्लोप में रहता है। तो इसलिए जो है आपको मैं आपको बता दूं कि भाई इस चीज से बचने के लिए हमें मतलब कि स्लोप ना हो फ्यूचर में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ग्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप जो आपको फ्यूचर में नहीं बनाना हो तब तो चलेगा, तब तो आप जो है डायरेक्ट छत ढलाई में ही मिला दीजिए। तो काम आपने जान लिया क्या फायदा है डॉक्टर फिक्सिट अगर आप मिलाते हैं, स्किन सॉल्ट लेना है तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्लियर हो गया होगा कि भाई कब जो है डॉक्टर फिक्सिट मिलाना चाहिए कंक्रीट में। ठीक है, जब आपका फ्यूचर में कुछ नहीं बनाना हो तब छत को ही स्लोप में दे दीजिए, सेंटरिंग स्लोप में करना पड़ेगा, सेंटरिंग स्लोप में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब एक जगह छत का मोटाई 6 इंच कर दे जाए 3 इंच कर दे, इसमें छत भी क्रैक हो सकता है। सेंटरिंग छत स्लोप में दीजिए जो कि थोड़ा मुश्किल होता है और इसलिए जो है उससे बेहतर होता है ग्रेडिंग करना। ठीक है, 1 इंच 1.5 इंच और कंक्रीट लगेगा, लेकिन ग्रेडिंग करेंगे इन फ्यूचर में आप उसको उखाड़ करके उखाड़ भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं,
और अगर ऊपर घर बनाना हो तो हम रिफर करेंगे कि कभी भी जो है छत को स्लोप में मत ढलाई कीजिए, उससे जो है बहुत तरह का जो है एग्जीबिशन में दिक्कतें आएगी आपको और स्लोप मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, छत ढलाई में भी दिक्कत आएगी, और उससे अच्छा बेहतर है छत पूरा प्लेन ढलाई कर दीजिए और उसके ऊपर ग्रेडिंग कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग पकवान को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।